हे गाइज, वेलकम टू माय चैनल जीके सक्सेस पॉइंट। आज का वीडियो है क्लास टेंथ सब्जेक्ट साइंस बायोलॉजी चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का पार्ट 4। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। पिछले क्लास में हम लोग रिस्पायरेशन पढ़े थे और आज रिस्पायरेशन, टाइप्स ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन इन ह्यूमन और रिस्पायरेशन इन प्लांट। आज देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, चलिए देखते हैं। ब्लड इज ए कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमन, इट ट्रांसपोर्ट नेसेसरी सब्सटेंस टू सेल एंड ट्रांसपोर्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दोज सेम सेल। ह्यूमन में ब्लड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि नेसेसरी जरूरत के सब्सटेंस को सेल तक पहुँचाता है, सेल तक ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करता है, बाहर कर देता है, सेल से बाहर निकाल देता है। फिर द मेन कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड का मेन कंपोनेंट क्या क्या है, प्लाज्मा, इट इज येल्लो कलर फ्लूड, ये येल्लो कलर का होता है, फ्लूड होता है। इट ट्रांसपोर्ट फूड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट, ये फूड का कार्बन डाइऑक्साइड का और वेस्ट प्रोडक्ट का क्या करता है, ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करता है। और RBC रेड ब्लड सेल ये क्या करता है, इट कंटेन हीमोग्लोबिन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन। RBC में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है। प्लेटलेट दिस हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग, प्लेटलेट क्या करता है, ब्लड जमाने का काम करता है, ब्लड क्लॉट का काम करता है। जब हम लोगों को कहीं कट लग जाता है, ब्लड फ्लो होता है, तो प्लेटलेट के वजह से ही ब्लड क्लॉट होता है। WBC व्हाइट ब्लड सेल, दीज सेल्स फाइट अगेंस्ट हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस एंड जर्म्स। WBC क्या करता है, जो भी हमारे बॉडी में हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस और जर्म्स होता है उससे क्या करता है, फाइट करता है और हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। तो ये हो गया ब्लड का मेन कंपोनेंट और इसका फंक्शन। अब देखते हैं द हार्ट पंप्स द ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स। हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है और ब्लड वेसल्स तक पहुंचाता है। चलिए आगे हार्ट देखते हैं और हार्ट के काम देखते हैं, हार्ट काम कैसे करता है। हार्ट, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गेन, इट हैव टू साइड सेपरेटेड बाय मस्कुलर वॉल, इट हैव फोर चैम्बर्स, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। इधर वाला राइट हो गया और इधर वाला लेफ्ट हो गया। लेफ्ट एट्रियम ऊपर वाला एट्रियम हो गया और नीचे वाला वेंट्रिकल हो गया। इधर लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और नीचे वाला लेफ्ट वेंट्रिकल, इधर राइट वेंट्रिकल और ऊपर वाला राइट एट्रियम। देखिए हार्ट हमारे बॉडी में मस्कुलर ऑर्गेन होता है, इसके दो साइड होते हैं जो मस्कुलर वॉल के द्वारा सेपरेट होते हैं। इट है फोर चैम्बर, इसमें फोर चैम्बर होता है, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। हाउ हार्ट वर्क, हार्ट कैसे काम करता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड कम्स फ्रॉम बॉडी टू राइट एट्रियम विच देन पम्प टू योर लंग्स बाय राइट वेंट्रिकल थ्रू आर्टरीज वेयर इज ड्रॉप कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैरी ऑक्सीजन। जो डीऑक्सीजनेट होता है वो ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करता है और ऑक्सीजन को कैरी नहीं करता है, उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेट ब्लड। ये क्या करता है, वो राइट ब्लड बॉडी से राइट एट्रियम में आता है और राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया उसको पंप कर दिया जाता है और आर्टरीज यानी लंग्स तक पहुंचा दिया जाता है और वहां पे गैस एक्सचेंज होता है। चलिए यहाँ से देखते हैं,
यहाँ वेना केवा के द्वारा क्या होता है, ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, और यहाँ से क्या होता है लंग्स तक, आर्टरीज तक पहुंच जाता है, और यहाँ पे गैस क्या होता है एक्सचेंज कर दिया जाता है, CO2 लंग्स में ड्रॉप कर दिया जाता है और ऑक्सीजन को कैरी कर लिया जाता है, और फिर डी ऑक्सीजनरेट ब्लड क्या होता है, ऑक्सीजनरेट ब्लड हो जाता है। अब ऑक्सीजनरेट ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है, चलिए देखते हैं। द ऑक्सीजनरेट ब्लड कम्स टू लेफ्ट एट्रियम थ्रू वेंस विच देन पम्प थ्रू ब्लड पार्ट बाय लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू ऑर्टरा ऑर्टा। लेफ्ट एट्रियम में जो ब्लड आया उसको पम्प्ड कर देगा ऑल बॉडी पार्ट में। ऑक्सीजनरेट ब्लड कहाँ आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है वेंस के द्वारा, और वो क्या किया जाता है ऑल बॉडी पार्ट में पम्प्ड कर दिया जाता है ऑर्टा के द्वारा। चलिए देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। देयर आर टू ट्रांसपोर्टर टिश्यू इन प्लांट। प्लांट का दो टिश्यू जो होता है वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टर होता है, जाइलम और फ्लोएम। अब देखिए जाइलम क्या होता है, इट ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन फ्रॉम रूट टू हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट। वाटर और वाटर में पाए जाने वाले मिनरल्स को ये क्या करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब रूट से जड़ से लीफ तक ट्रांसपोर्ट का काम करता है। वाटर और वाटर में पाए जाने वाले मिनरल्स को ये रूट से लीफ तक पहुंचाता है। इट्स ओनली ट्रांसपोर्ट्स अपवर्ड, ये केवल अपवर्ड डायरेक्शन में ही काम करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है सिर्फ एक डायरेक्शन में। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपायरेशन, ये ट्रांसपायरेशन के आधार पर सिद्धांत पर काम करता है। देखिए ट्रांसपायरेशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। प्लांट वाटर को लूज करता है वेपर के फॉर्म में, और एरियल पार्ट, जो एरियल पार्ट होता है उसका जो अपर पार्ट पार्ट होता है वहां से वाटर को लूज करता है वेपर के फॉर्म में। इसी के आधार पे जाइलम काम करता है, इसी के सिद्धांत पे जाइलम वर्क करता है। अब है फ्लोएम, इट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये क्या करता है, लीव में जो फूड होता है उसको प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाता है, हर दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। इट कैन ट्रांसपोर्ट अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड, ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन, ये जो फूड लीव से फूड को प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाता है इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। चलिए अब देखते हैं, एक्सकैरेशन क्या होता है। द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द बॉडी जेनरेट्स मेनी काइंड्स ऑफ वेट्स। इट इज ए प्रोसेस इन विच वेस्ट्स आर रिमूव फ्रॉम आवर बॉडी। जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज करते हैं, मतलब फूड डाइजेस्ट करना, फूड से इनर्जी क्रिएट करना, ये सभी क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है। इसके दौरान बहुत सारा वेस्ट्स क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट क्रिएट होता है, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालना, रिमूव करना ही क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन कहलाता है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको बॉडी से बाहर करना ही, रिमूव करना ही एक्सक्रीशन कहलाता है। मेटाबॉलिक वेस्ट, डाइजेस्टिव वेस्ट, जो भी हम लोग खाते हैं वो पूरी तरह से डाइजेस्ट तो होता नहीं है, जो भी वेस्ट बच जाता है, वेस्ट प्रोडक्ट, उसको एनस के द्वारा क्या करते हैं, रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से बाहर, वही कहलाता है डाइजेस्टिव वेस्ट। अब रिस्पायरेटरी वेस्ट, जो हम लोग इनहेल करते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं बाहर, वही कहलाता है रिस्पायरेटरी वेस्ट। अब है नाइट्रोजिनस वेस्ट, यूरिया, यूरिक एसिड, वाटर, ETC, सब ये सबको क्या होता है, शरीर से, बॉडी से रिमूव करना ही नाइट्रोजेनस वेस्ट कहलाता है। चलिए देखते हैं एक्सक्रीशन इन ह्यूमन।
चलिए देखते हैं ह्यूमन एक्सक्रेटरी सिस्टम। इट कंसिस्ट ऑफ टू किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ये चारों मिलके क्या बनता है? एक्सक्रेटरी सिस्टम बनता है। किडनीज क्या करता है? इट्स फिल्टर्स द ब्लड एंड रिमूव वेस्ट। ये ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड से यूरिन, यूरिया, एमिनो एसिड सबको क्या करता है, से ब्लड को फिल्टर करता है। और यूरेटर्स क्या करता है? इट ड्रेन आउट यूरिन फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या करता है? यूरिन को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाता है। यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है? इट स्टोर द यूरिन, यूरिन को स्टोर करके रखता है। यूरेथ्रा ट्रांसमिट यूरिन आउटसाइड बॉडी, ये यूरिन को बॉडी से बाहर निकालता है। अब देखिए रेनल आर्टरी से क्या होता है? ब्लड आता है, किडनी में फिल्टर होता है और जो भी यूरिन वेस्ट पदार्थ होता है ये यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर तक आ जाता है और जो ब्लड प्योर रहता है वो इस पाइप के द्वारा चला जाता है, रेनल वेनस के द्वारा चला जाता है और वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? यूरेटर के द्वारा यूरिनरी ब्लैडर तक आ जाता है और यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकल जाता है, बॉडी से बाहर आ जाता है। और ऐसा किडनी में क्या है जो ब्लड को फिल्टर करता है? चलिए देखते हैं। किडनी हैव ए फिल्ट्रेशन यूनिट कॉल्ड नेफ्रॉन। किडनी में नेफ्रॉन होता है जो ब्लड को फिल्टर करता है। फिल्ट्रेशन यूनिट क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन होता है। चलिए नेफ्रॉन देखते हैं। नेफ्रॉन आर फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी। ये तो पहले पीछे भी देखे थे हम लोग। नेफ्रॉन क्या होता है? किडनी का फिल्ट्रेशन यूनिट होता है। इट कंसिस्ट ऑफ ए ट्यूब विच इज कनेक्टेड टू डक्ट एंड ए कैप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इज बाउमेन्स कैप्सूल। देखिए ये जो कप टाइप का स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? बाउमेन्स कैप्सूल, बाउमेन्स कैप्सूल बोलते हैं। नेफ्रॉन में ट्यूब होती है जो डक्ट से क्या होती है? कनेक्ट है। ये डक्ट है और ट्यूब क्या है? डक्ट से कनेक्ट है। और कप शेप का स्ट्रक्चर है जो बाउमेन्स कैप्सूल कहलाता है। बाउमेन्स कैप्सूल क्या करता है? इट फिल्टर्स ब्लड एंड कलेक्ट यूरिन। ये ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन को, ब्लड को फिल्टर करता है और यूरिन को क्या करता है? अब्जॉर्ब कर लेता है और ब्लड को इस ट्यूब से हेनलीज लूप क्या करता है? रीअब्जॉर्ब ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड वाटर। हेनलीज लूप क्या करता है? दोबारा से ग्लूकोज, एमिनो एसिड और वाटर को ऑब्जॉर्ब करता है। फिर क्या होता है? देन यूरिन इंटर्स इनटू यूरेटर थ्रू डक्ट्स। डक्ट्स के द्वारा यूरिन क्या होता है? यूरेटर में जाता है और एंड कलेक्टेड इन यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो जाता है और यूरेथर्स के द्वारा बाहर निकल जाता है।